दुनिया का सबसे लंबा 8 लेन वाला हाईवे हरियाणा के 65 गांव से होकर गुजरेगा, जिसके बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई जाने में महज 12.5 घंटे का समय लगेगा। हरियाणा में इस दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 160 किलोमीटर होगी, जिसका आज केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम मनोहर लाल के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता और अधिकारी भी नितिन गडकरी के साथ मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने निरीक्षण करने के बाद भरोसा दिलाया कि मार्च 2020 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12-12.5 घंटे में हम पहुंच सकेंगे और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 107 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर निकलेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नुआ और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वेस्ट साइड एमिनिटी बनाई जाएगी जहाँ स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे गुरुग्राम जिला के 11 गांव तथा पलवल के 7 गांव और मेवात जिले के 47 गांव से होकर गुजरेगा, जिस पर लगभग 10,400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हरियाणा राज्य में हाईवे की शुरुआत गुरुग्राम अलवर रोड स्थित एनएच 248 से होगा, जबकि प्रदेश में इस हाईवे का समापन नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में गाँव कौलगांव में होगा। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कामकाज की जमकर तारीफ की। जिन्होंने सड़क मार्गों का जाल बिछा दिया और आज भी उनकी ओर से हमेशा यही हमसे पूछा जाता है कि बताइए और कौन सी सड़क बनानी है, हम बताते नहीं हैं बल्कि उनकी ओर से आ जाता है कि आपके यहाँ से ये सड़क और अच्छी रहेगी, इसको भी बनवा लीजिए। कभी इन्होंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके कारण से कहीं कोई कठिनाई आती हो, ना धन की कठिनाई आती है, ना योजना की कठिनाई आती है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से एक अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी, एक स्पेशल एक्सप्रेस वे, तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि इसका अलाइनमेंट बताइए और तुरंत फाइनल कर दी। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी कोई ईस्ट से वेस्ट हरियाणा के बीचों बीच एक मार्ग हमको चाहिए जो पानीपत से शुरू होकर के और डबवाली तक जाए। इन्होंने उसी समय उसका फिजिबिलिटी उसके देखभाई और तुरंत उसको मान लिया। बता दें कि सोहना के गांव लोहटकी के पास एक्सप्रेसवे की साइट का विजिट व निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा गुरुग्राम से सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सोहना से विधायक कंवर संजय सिंह भी नितिन गडकरी के साथ मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस एक्सप्रेस वे पर एयर एम्बुलेंस भी तैनात करने का ऐलान नितिन गडकरी द्वारा किया गया है ताकि हादसे के शिकार हुए लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। इस पर ड्रोन से निगरानी रखने की भी योजना है। बहरहाल माना जा रहा है कि एक्सप्रेस वे को तैयार होने के बाद प्रदेश में यातायात की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार और सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।